Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi, computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut. लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने 4 माह से वेतन व इंक्रीमेंट न लगाने का विरोध करते हुए बुधवार के बाद आज गुरुवार को भी कामकाज बंद कर हंगामा किया। कर्मचारियों का आरोप है कि जनशक्ति पोर्टल पर उनका जो वेतन दर्शाया गया है उससे कम धनराशि उन्हें दी जा रही है। इसके अलावा उनके वेतन में 30% की बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है, लेकिन यह भी लागू नहीं किया जा रहा है। 4 माह से वेतन न मिलने से उन्हें घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कॉलेज में वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्टाफ नर्स व सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखा गया है। इसका ठेका जीत सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है। कर्मचारियों का कहना है कि वार्ड बॉय को 8, एचआर को 10, जबकि स्टाफ नर्सेज को 16,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, जबकि 30% इजाफे के साथ यह वेतन दिया जाना चाहिए। वहीं कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता का कहना है कि आउटसोर्सिंग पर रखे गए स्टाफ को 4 माह से वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस बारे में कंपनी से बात की जा रही है। जहां तक बात वेतन वृद्धि की है तो इसका फैसला कंपनी को लेना है। आज आउटसोर्सिंग स्टाफ ने ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर व सरधना विधायक अतुल प्रधान को भी मौके पर बुलाया था। सरधना विधायक ने वहां पहुंचकर प्रशासनिक अफसर से स्टाफ की मौजूदगी में वार्ता की। देखिए सारा नजारा। टोटल कर्मचारी यहाँ पे 224 नर्सिंग के हैं, लैब टेक्नीशियन 11 हैं, ओटी टेक्नीशियन 28 हैं, सीटी स्कैन वाले 2 हैं, एक्सरे वाले 5 हैं, जूनियर असिस्टेंट 13 हैं, स्टोर कीपर 3 हैं। और ये इसी तरीके से करके आपके क्लास 4 नॉन टेक्निकल आपके 165 हैं और 10-10 आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, फार्मासिस्ट हैं, आपके सर्विस वाले ठीक है। जिसका नहीं है वो एप्लीकेशन दे दे, उसी के बेस पे करना नहीं, ऐसा गरम 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 पानी। इस बारे में पीड़ित स्टाफ ने यह बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। क्या मामला हुआ? सर सैलरी नहीं आ रही है, 4 महीने हो गए हैं और सैलरी ना आने की वजह से घर में भी रोज टेंशन हो रही है और हस्बैंड सास परिवार को भी देखना पड़ता है। कैसे मैनेज करें? कुछ नहीं है घर में, हर चीज को मैनेज करते हुए 4 महीने हो गए, अब 5वां महीना शुरू हो गया और 8,300 रुपए सैलरी है। सैलरी बढ़ गई है अगस्त में 12,300 कुछ रुपए आई है, 100 कुछ रुपए, लेकिन वो सैलरी यूँ कह रहे हैं अगले महीने, इस महीने आपकी सैलरी मिल जाएगी लेकिन नेक्स्ट मंथ वो कट के मिलेगी, उसमें से वो काट लेंगे कि कितने परसेंट बढ़ी है कितने परसेंट नहीं। 30%, 50% बोलने के बाद 30% पे आ जाएंगे, ये कह रहे हैं आगे काट के मिलेगी, अगर नहीं मिली तो इसमें भी मैनेज करना पड़ेगा। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आज का वादा किया था कि आज आ जाएगी, लेकिन आज अभी तक सैलरी नहीं आई है, कल कह के आज इग्नोर कर दिया और अब भी आगे तारीख पे तारीख यही चलता रहा पिछले 4 महीनों से। 5वां महीना शुरू हो गया है हमारा। यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, वार्ड आया और यहाँ तक की गार्ड भी है, सारा पूरा स्टाफ है, पूरा मेडिकल स्टाफ, अब मैश के भी हैं, ऑलमोस्ट पूरा स्टाफ है यहाँ पर। जो प्रॉब्लम है किसी से भी आप बात कर लीजिए, सब यही जवाब देंगे क्योंकि सैलरी किसी की भी नहीं आ रही है और मिलेगी 1 महीने की, उसमें भी कह रहे हैं अगले महीने मैनेज करेंगे कि कटेगी, 50% मिलेगी, 50% पे 30%। हमारी मांग यही है कि हमारी सैलरी टाइम पे दी जाए। 4 महीने से जो सैलरी नहीं आ रही है, हम लोग किसी से पैसे ले लेके मैनेज कर रहे हैं और जो सैलरी है अगस्त में हमारी सैलरी पोर्टल पे जो चढ़ के आई थी 23,971 चढ़ के आई थी, जो की इन्होंने 16,250 दी है। वो हम ही जानना चाहते हैं सैलरी घट के क्यों आई है। जब वो पोर्टल पे शो कर रही है तो इन्होंने बोल दिया गलती से चढ़ गई। ऐसे गलती से कैसे चढ़ सकती है? और सैलरी के लिए जब हमने इनसे सैलरी के लिए बोला, इन्होंने बोला कि 10 तारीख में आ जाएगी, किसी से 5 तारीख में आ जाएगी, कभी 15 तारीख में आ जाएगी, बिल्कुल भी एक्यूरेट डेट नहीं दे रहे हैं। हम लोग धरने पे ही रहेंगे, हमें अपनी सैलरी चाहिए। हम कहाँ से मैनेज करेंगे आप बताइए? रेंट पे रह रहे हैं यहाँ पे, हम कहाँ से अपना रेंट देंगे? 9 तारीख में टेंडर खत्म हो रहा है, ये बोल रहे हैं टेंडर खत्म हो गया था, एटलीस्ट कम से कम अपनी सैलरी जो हमारी रुकी हुई है वो तो ये कम्प्लीट करें। आगे की आगे देखी जाएगी। बोल रहे शासन प्रशासन से आपकी 50% इंक्रीज हुई थी, लेकिन हम अक्टूबर में कोई भी ये आप लोगों से वादा नहीं कर रहे कि आपकी सैलरी बढ़ के आएगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि 2 महीने के लिए सैलरी बढ़ रही है, 2 महीने बाद ही सैलरी घट जाती है? ऐसे कैसे हो जाएगा? ये कौन सा शासन प्रशासन है? हमें इसका आंसर चाहिए इनसे। प्रशासनिक अफसर का यह कहना है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कार्यरत जीत एजेंसीज और जीत एचआर के कुछ कर्मचारी हैं जिनके वेतन का विषय था। कर्मचारियों को वेतन वृद्धि को लेकर प्रश्न उनके थे। उनका प्रस्ताव पूर्व में ही लगभग 3 हफ्ता 4 हफ्ता का समय हो चुका है, शासन को प्रेषित किया जा चुका है। उसके ऊपर कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे, स्पष्टीकरण भी भेजे जा चुके हैं। वही बात कर्मचारियों को समझा दी गई है। कर्मचारियों का वेतन जैसे ही हमारे पास निर्देश आएंगे वेतन वृद्धि के अनुरूप किया जाएगा। तब तक जो उनका पूर्व का वेतन मिल रहा था वही वेतन निर्गत कर दिया जाएगा। सरधना के सपा विधायक अतुल प्रधान ने यह कहा, अब इनके चेहरे दिखाओ सबके। पहले आप देखो उधर की तरफ क्या हालत है। जिन लोगों को 9,000 रुपये सैलरी मिल रही हो, किसी के 12-14 हज़ार मिल रहे हो, अलग अलग स्टाफ के हिसाब से जो जो काम कर रहे हैं अलग अलग सैलरी मिल रही है। और 4 महीने अगर किसी को सैलरी ना मिले तो जो बैठे हुए लोग हैं, ताकतवर सीट पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए और उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य इतनी कम सैलरी में नौकरी करे तो कैसे जीवन यापन करेगा। और मैं इसीलिए यहाँ पर तमाम लोगों से मिला और प्रशासनिक लोगों को मैंने अवगत कराई। प्रिंसिपल जो है आज चले गए लखनऊ, हम लोग दोबारा उनसे पूछेंगे। इन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर, कल तक 1 महीने की और 1 हफ्ते के अंदर ये सैलरी हम लोग इनकी आगे जो है निकाल देंगे। लेकिन हमारा सीधा कहना है सैलरी बढ़ी हुई इन लोगों को मिलनी चाहिए। जिन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलने चाहिए। शिकायत सब लोग ये कर रहे हैं, जो कंपनी की तरफ से यहाँ पे सुपरवाइजर हैं वो मिसबिहेव करते हैं, उन्हें मिसबिहेव करने की छूट किसी को नहीं देनी चाहिए और उनको अपना काम करना चाहिए। और साथ साथ अगर उनको आपत्ति है लोगों को तो उनको पद से उससे हटा के किसी दूसरी जगह बैठा देना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर इतनी कड़कती हुई ठंड में लोग अपने परिवार को छोड़ के परेशानी दिक्कत किराए पर रह रहे कुछ लोग, आप बताओ किस तरीके से जीवन यापन करते होंगे। अरे सारे के सारे यही हम कह रहे हैं कि ये आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों पे भी रिश्वत खा रहे हैं, बेईमानी ले कर रहे हैं। और ये मुझे पता चला है कि 1-1 लाख रुपए की रिश्वत लेके जो पुराने रखे हुए लोग रहते हैं उन्हें निकाल देते हैं और नए लोगों को 1 लाख रुपए रिश्वत लेके आउटसोर्सिंग कर्मियों को रखने का काम करते हैं। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और जो भी लोग इस तरह के पैसे में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ये मैं फिर कह रहा हूँ, कोई चीज कोई समस्या जो है जब तक नहीं सुलझेगी जब तक मुख्य पोस्ट पे बैठे हुए लोग उसको सुलझाएंगे नहीं। तो हमारी मंशा ये है कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है इस समस्या को निपटाएं और निपटा के इसको आगे बढ़ाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।